कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट टाइम किए थे। आज का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो मान लो ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई वेक्टर वो ऊपर है। आपने एक चार्ज पार्टिकल क्यू को यहां पे रख दिया, क्यू यहां रख दिया, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू कितना क्यू ए। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहां करेगा? पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव प्लेट। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो फोर्स कहां लगेगी? फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर। फोर्स ऊपर लगेगी। तो एक रूल बना लो। क्या रूल बनाना है? कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। फोर्स का एक्सपीरियंस हो रही है ऊपर। ये याद रखना है, थंब रूल है ये, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरीके से अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसे कौन अट्रैक्ट करता? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्यू ई, फोर्स के मैग्नीट्यूड में फर्क ही नहीं है, इक्वल टू क्यू ई। फोर्स एक्सपीरियंस कहां होगी? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। तो शॉर्टकट क्या बनेगा कि नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी? ऑपोजिट। पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ई के अलोंग, नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ई के ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्यू ई। तो रिजल्ट याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, मिलिकन ने किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? उसने क्या करके दिखाया, मिलिकन ने लैब के अंदर एक ऑयल ड्रॉप को हवा में रेस्ट पे लाके दिखाया। हवा में उड़ रहा है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में लाके दिखाया। कैसे? लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज तो थी नहीं। ऑयल ड्रॉप अगर नीचे गिरेगा तो क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि उसका वेट उसे नीचे गिरेगा। सिंपल, ऑयल ड्रॉप के ऊपर अगर चार्ज क्यू है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा ऊपर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑयल ड्रॉप रेस्ट पे कब रहेगा? जब क्यू ई किसके इक्वल होगा? एम जी। क्यू इज इक्वल टू एम जी। तो ये रूल है कि देखो, ना तो उस टाइम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज थी, ना क्यू ई की नॉलेज थी, उसको नॉलेज थी। तो लोगों को लगा कि वो ड्रॉप हवा में रेस्ट पे है, ऐसे कैसे रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज हम असाइनमेंट करेंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? याद रखना ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग है और एक नीचे बॉब है, बॉब के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है और बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू ई राइट की तरफ है, तो ये स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई और इक्विलिब्रियम में आ गई, तो बॉब इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज जीरो। तो स्ट्रिंग में क्या आ गई? टेंशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? थीटा थीटा बनाते हैं। टी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, तो एम जी। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ऐसा रिजल्ट याद रखना, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आएगा, ठीक याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन अभी आपने करना है, ट्राई करो और आंसर मैच करो। क्या इसका आंसर 2/3 मीटर आ रहा है? चेक करो प्लीज।